गाइज आपकी सेफ्टी के लिए हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका कंट्रोलर यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी दूरी पर है, और आप जो है पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस तरीके से दूर से जो है पटाखों को पटका सकते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है ताकि आप अपनी दिवाली को सेफली मना पाएँ, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इसकी मेकिंग अच्छे से समझ पाएँ। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप? तो गाइस यार दिवाली काफ़ी ज़्यादा जो है दूर आ चुके हैं, और दिवाली में जो है बच्चे छोटे बड़े सबको ही जो है पटाखा पटकाता है, लेकिन जो है पटाखा माचिस से पटकाते हैं, और माचिस से पटकाते ही जो है भागते हैं, लेकिन पटाखा जो है कभी भी फट सकता है और उससे जो हमारे चोट पीट भी लग सकती है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिससे जो आप स्विच को भेजते ही पटाखों को बड़ी दूर से जो है पटका सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और काफ़ी मस्त जो है वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू। फ्रेंड, इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं इस तरीके की एक लैपटॉप की बैटरी का। लैपटॉप की बैटरी को जोड़कर जो हमने 12 वोल्ट जो है बैटरी बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये जो है 12 वोल्ट किस तरीके से दे रही है, यहाँ पर आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, और इस तरीके से आपको कनेक्शन कर एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है बना लेनी है। गाइज यहाँ पर ले रहे हम कुछ वायर, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमने वायर थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा छोटा का यूज़ करना है, मतलब इतना का ही आपको यूज करना है, 2 से 3 मीटर का आप यूज करना। अगर आप ज्यादा का यूज करोगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, और नेक्रोम वायर जो हम लगाने वाले वो अच्छे से हिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके की एक फोन स्विच, देख सकते हो जो चटकनी बोलते हैं, यहाँ हमारे जो है बोर्ड वगैरह इसमें लगी होती है। आपको जो है मैं बता देता हूँ, डोर वेल जो होती है उसका ही स्विच का जो है यूज करना, क्योंकि वह जो ऑफ रहता है दबाने पर ही जो है ऑन होता है, तो इससे जो हमारा नेक्रोम वायर जो है जल्दी से टूटेगा नहीं, और मतलब जो है गर्म होकर जो है हमारी बैटरी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके की हमने एक डिब्बी टाइप की बना ली है, और इसमें जो एक होल कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो इसके अंदर काफी अच्छे से है, इस तरीके से फिक्स आ रही है। गाइस यहाँ पर ले रहे हम कुछ पीवीसी पाइप की सीट, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसे जो हमें इस तरीके से यहाँ पर रखकर और इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। काफी मस्त जो है प्रोजेक्ट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। गाइज हमारा प्रोजेक्ट बनकर एकदम तैयार हो चुका है, तो चलिए इसके कनेक्शन में आपको बता देता हूँ। ये जो आप वायर देख रहे हो, सीधे 2 वायर जो हमने स्विच में लगाए थे सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीधा एक बैटरी के एक जो है टर्मिनल पर जा रहा है, और ये सीधा एक वायर जो है नेक्रोम वायर पर जा रहा है। तो एक नेक्रोम वायर का सीधा वायर जो है हमारी एक बैटरी पर जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्शन जो है काफ़ी आसान है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, मतलब जो है ऑफ ऑन स्विच से बस नेक्रोम वायर को कुछ इस तरीके से जो है हीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ऑन कर दिखाता हूँ, तो देखो गाइस काफ़ी अच्छे से जो है रेड हॉट हो रहा है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अभी देखो गाइज, हम अपने प्रोजेक्ट को लेकर जो है छत पर आ चुके हैं, ताकि आपको अच्छा से टेस्ट कर यहाँ पर आपको दिखा दें। तो यहाँ पर देख सकते हो इसे जो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दिया है अपने प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर जो है इसकी ऑफ ऑन स्विच है यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें हमने जो है रबड़ लगा दिया ताकि हमारा ऑफ ऑन स्विच जो है ऑन ना रह जाए, और हमारी बैटरी एकदम से जल्दी से डाउन ना हो जाए। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ माचिस के तिल्ले जो है मैंने यहाँ पर रख रखे हैं, तो इसको जो है इस पर रखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको रख देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इतनी दूरी पर आप जो है जाकर और इसे जो है ऑन कर देना है। तो चलिए गाइस ऑन करते हैं। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने जो इसको ट्राई भी कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हो आग भी लग चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है काफ़ी अच्छे से नेक्रोम वायर जो हमारा हीट हो चुका है, और हमारी माचिस की तिल्ली को जो है आसानी से जला दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब जो ये सुतली बॉम्ब और रॉकेट वगैरह को कोई से भी पटाखे को बड़ी आसानी से जला सकता है, और जो है आप इसका वायर जो है मतलब
ज़्यादा बदा करोगे तो इसके रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे और हमारा जो है नेक्रोम वायर जो है काफ़ी अच्छे से हीट नहीं होगा। तो आप जो है कोशिश करना मैक्सिमम रख पाएँ आप। तो चलिए एक और टेस्ट कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और एक और टेस्ट कर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दोहरे से चेक करा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखो गाइस, देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छे से इसको जला दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब कोई सा भी पटाखा कोई और जला सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप जो है पटाखा जो है टेस्ट कर क्यों नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पर हमारे हमने जो एक इलेक्ट्रिक लाइटर बनाया था उस पर जो यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन दे दी थी, तो हम नहीं चाहते हमारे यूट्यूब चैनल पर बार बार जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए। तो चलिए इसको एक बार वो टेस्ट कर देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप इसका चाहे जितना लंबा वायर कर सकते हो और आपको जो पूरी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना होगा। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे से इसको जला दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है आप जो है सेफ्टी के साथ ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।